MI 5 है, आया हुआ है, बैटरी फुला हुआ था इसलिए बैटरी इसका हमने हटा दिया है। तो बैटरी का अगर आप इसको देखें, सिम ट्रे रिमूव करके इसको खोलना होता है, तो ये अब खुल गया है, देख सकते हैं बैटरी का ये काट दिया था हमने। तो अब ये काटा था तो अभी इसका स्क्रू खोलता है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बैटरी का अगर चेंज करना हो कभी भी कोई भी कर सकता है, सिंपल काम है। सिर्फ ये सब स्क्रू हटाना है, ये उठा के यहाँ पे है पत्ता, वो उठा के लगा देना है और ये चिपका देना है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है, स्क्रू खुल रहा है लाइन बाय लाइन। अब सब स्क्रू खोलना जल्दी जल्दी करना होता है, तीन स्क्रू खुला है, चौथा है, और स्क्रू एक ही जगह पे रखिए नहीं तो फिर क्या होता है आपको मिलेगा नहीं। तो ये चार स्क्रू खोल चुका, पांच जैसा आप देख रहे हैं सारा स्क्रू खुल गया। तो इसके बाद में देखिए, कोई कोई आपने ट्वीजर से ये करते है, एक एक करके खोलता है, ये सब आराम से हटाना होता है, ठीक है। ये पूरा उठा दिया मैंने, ये खुल गया है, तो ये खोल दिया, कुछ नहीं है, ये बैटरी का कनेक्टर था, ये मैंने उठा दिया, देख लीजिए, फेंक दिया, ख़त्म काम है। उसको फेंकना नहीं है, उसको डस्टबिन में रखना है, क्योंकि वो कहीं पे भी दूसरा जगह पे गिरने से किसी को लग सकता है। और जो नया बैटरी अपने पास आया हुआ है वो कहाँ रखा है, मेरा आदत यही ख़राब है, बैटरी हमेशा कहीं भी रख के भूल जाता है, तो देख लेता पहले इसको कहाँ रखा है। ये है, ये MI का कॉपी बैटरी है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो ये कॉपी बैटरी फाड़ लिया, ये निकाला और ये खोला, कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल, ये बस यहाँ रखना है, ये रखने से ही आपको देखिए ये बैठ जाएगा थोड़ा सा ऐसे दबाने से, क्योंकि नीचे आठा लगा है। और ये पत्ता को आप थोड़ा सीधा कर लीजिए, क्योंकि शायद से बहुत दिन से प्लास्टिक में था तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो थोड़ा सीधा करके फिर इसको आराम से यहाँ पे बिठा दीजिए, जो इसका ट्रे है। ईजी है, कनेक्ट करना होता है कनेक्टर में बस। देखिए पूरा अच्छा से कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो गया है तो क्या अभी इस हालत में हम ऑन कर सकते हैं, यहाँ से चेक करने के लिए यही सबसे बेस्ट थिंग है। ऑन नहीं हो रहा है, कनेक्ट तो ठीक ही है, अब ऑन नहीं हो रहा तो इसको हम लोग चार्ज में लगा के चेक कर लेगा क्यों नहीं हो रहा है। चार्ज में लगाने से ये आ गया है MI का, मतलब बैटरी 0% चार्ज है, तो ये हो जाएगा, ये रहा 1% चार्ज है, तो बैटरी चार्ज होने लगता है, 0% है जैसे मैंने आपको कहा था, इसलिए ये ऑन नहीं हुआ। तो अभी इसको हम लोग करते हैं, फिटिंग का प्रोसेस भी सेम है जैसे मैंने इस कवर को उठाया था, अब सेम इसी को अच्छा से बिठाइए जहाँ जो था, ये आपको आराम से रख देना है, ऐसे ये ऐसे दाब दिया आपका, ये सब बैठ गया, टप टुप साउंड आएगा थोड़ा बहुत, तो ये आपका साउंड मतलब है हो गया काम। तो अब ये हो गया, तो अब स्क्रू जितना खोला गया था तब फिर से उस सबको फिट करना होता है। अब ये देख सकते हैं आप, सारा नट मैंने रख दिया, आप सबको टाइट कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ये टाइट हो गया एक, तो टाइट हो गया, तो ये आप देख रहे हैं सारा नट हमने टाइट कर दिया, एक दो बचा हुआ था तो इसको घुमा दे रहा है, जल्दी जल्दी घुमाओ घुमाओ घुमाओ। ये एक है, अबे भाई क्या हो गया तेरे को, सीधा हो जा, ये घूम चुका है तो ये टाइट हो चुका है, और इसको एक बार ऐसा प्रेस कर लीजिए कि अच्छा से रहे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको आराम से लगाइए, देख सकते हैं आप ये लाइन बाय लाइन टक 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 टका टक हो गया, टका टक सब, बस एक बार ध्यान दे लीजिएगा कहीं गैप ना रह जाए ये सिम ट्रे का ये जगह। ये तो अपनी साले, ये तो फिटिंग कर दिलो और ये तो आपको सिम ट्रे तो लगा दी लगे, ये तो भूल हो जाए कितने बार सिम ट्रे लगवा दो, तो लगा दिलो सिम ट्रे, इतना अपनी सब চার্জত লগাই আছো, ফোনটো চার্জ লব, এটো গ্যারান্টি হয়। তো সালে চার্জত লগাই দিছো, 1% হইছে, তো এটা উঠি আছে লাহে লাহে, এটো চার্জ হই এটা অন হৈ গল, এটা অনত লগাইছো, চার্জত থাকতে অন কৰিছো, এটা অন হৈ আছে, দেখি রাব চার্জ হৈ গিয়া, অন হৈ চুকা হ্যায়, 5% চার্জ হ্যায়, ফোন অন হ্যায়, পাসওয়ার্ড লগা হুয়া হ্যায়, কাস্টমার কা তো মুঝে পতা নহীঁ, ইসলিয়ে মেয়ে ছোড় রহা হুঁ ইয়ে চিজ। और ये चार्ज हो रहा है, इसका सिंबल यहाँ पे दिखता है, देख के तो ये अपना हो गया, 5% है, चार्जिंग है, चार्जिंग रहने दो, काम ख़त्म यहाँ पे।